नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे तुला राशि वाले जातकों के लिए 26 अगस्त बुधवार का दिन कैसा रहेगा, इनके व्यापार, व्यवसाय, करियर, लव लाइफ और इनके स्वास्थ्य के बारे में आपको बताएंगे। आज इन लोगों को किन से क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति होंगी, कौन से क्षेत्रों में इनको सतर्क सावधान रहने की जरूरत है और आज के दैनिक दिनचर्या में आपको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कौन सी समस्याओं से आपको निजात मिल सकती है तथा आपका व्यापार कैसा रहेगा, करियर, लव लाइफ और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपको बताएंगे। आपका लकी कलर, लकी नंबर कौन सा रहने वाला है, भाग्य का कितना सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है, आपके जीवन में कब तक खुशियां दस्तक दे सकती हैं और कब तक आपके जीवन में शुभ और अच्छे परिणामों की आप प्राप्ति कर सकते हैं आपको बताएंगे। सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आप व्यवसायिक यात्राओं को कर सकते हैं। भाग्य आज आपका साथ दे रहा है, इसलिए आप व्यवसायिक जीवन के संबंध में नई योजनाओं को बना सकते हैं, किंतु किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय आपको सावधान रहने की जरूरत रहेगी। आप अपने जीवन में जो भी क्रियाकलाप को करने की कोशिश कर रहे हैं उनको आप सोच समझ कर करने की अवश्य कोशिश करें। आर्थिक लेन देन भी सोच समझ कर करने का आप अवश्य प्रयास करें। कठिनाइयां आपके जीवन में आ सकती हैं, न चाहते हुए भी आपको सामाजिक समारोह का हिस्सा बनना पड़ सकता है, इसलिए आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी परेशानी हो सकती है। जीवन साथी का सेहत में भी आपके सुधार होंगे, उनके सेहत का खास ख्याल रखने की अवश्य कोशिश करें, अन्यथा परेशानियां आ सकती हैं। पिता पुत्र के संबंध भी बिगड़ने से आप काफी ज्यादा परेशान हो सकते हैं और आपको कई प्रकार के दुख तकलीफें और समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। भावनात्मक रूप से आप टूट सकते हैं। कानूनी या विभागीय कार्यवाही को लेकर आप काफी चिंतित रह सकते हैं। आपको दूर या विदेश स्थानों के लिए लोगों के साथ व्यापार में नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। ऐसे में आप धैर्य रखें, आप में से कुछ लोगों को विदेश में रहने का अच्छा विकल्प मिल सकता है और आपके जीवन में आपको खुशियां भी प्राप्त हो सकती हैं। आपके सोच समझने और कार्यक्षमता में बढ़ोतरी करने के विशेष मौके भी आपको अवश्य ही हासिल होने वाले हैं। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि इसमें माँ या मातृत्व पक्ष में आपके रिश्तेदार से आपका रिश्ता भी अच्छा हो सकता है, परंतु कुछ लोगों को इसमें धैर्य बनाए रखने की जरूरत रहेगी क्योंकि उनके रिश्ते में काफी बड़ा विवाद उत्पन्न हो सकता है। मित्रों, आज के दिन कई क्षेत्रों में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आप अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और अपने मन को शांत रखने की आप अवश्य प्रयास करें। व्यावसायिक संदर्भ में आपको सतर्क और सावधान रहना चाहिए। धन की रुकावटों के कारण आपको वित्तीय समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन भी आनंददायक रहेंगे यदि आप अपने जीवन साथी के साथ समय को व्यतीत करते हैं। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो उनको भी दूर करने की आप निर्णय ले सकते हैं। मित्रों, आपको अपने व्यवसाय और अन्य उपक्रमों से भी लगातार लाभ और मुनाफा भी प्राप्त होता रहेगा। आप अपने अधीनस्थों के समर्थन का आनंद ले सकते हैं। साझेदारी भी आपके स्थिर रह सकती है। किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के बावजूद आपको काफी प्रकार की विरोधाभास अवस्था का सामना करना पड़ सकता है। आप विरोधियों पर काबू करने की अवश्य कोशिश करें। किसी परिवार के सदस्य का गिरता स्वास्थ्य भी आपकी चिंता का मुख्य कारण हो सकता है। ऐसे में उनके सेहत का देखरेख करने की आपकी जिम्मेदारी रहेगी। आपके परिवार में तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। आपको दिल के बजाय अपने दिमाग से निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। आप अपने नौकरी में बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं और इसी संदर्भ में विदेश यात्राओं के संकेत मिल रहे हैं। आप किसी महत्वपूर्ण यात्राओं पर जा सकते हैं। आप अपने संभावनाओं के उत्थान की आशा भी कर सकते हैं क्योंकि आप अपनी वर्तमान नौकरी में अधिक पसंदीदा स्थानांतरण भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में ट्रांसफर होने का योग बन रहा है।
आपकी आर्थिक स्थितियों में भी गति हो सकती है, आर्थिक स्थितियों में भी आपका सुधार होगा जो आपकी स्थितियों को अधिक सुदृढ़ कर सकते हैं। छात्र भी अपनी पढ़ाई लिखाई में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मायके पक्ष से आपके रिश्तेदार आपके लिए समस्याओं को पैदा कर सकते हैं, ऐसे में उनकी समस्याओं को दूर करने की आप अवश्य कोशिश करें। आपके पिता की सेहत पर भी गहरा असर पड़ सकता है और आपके पिता की सेहत पर भी आपको खर्च करने पड़ सकते हैं, ऐसे में आपको उनके सेहत का ध्यान अवश्य रखने होंगे। विदेशी यात्राओं करते समय आपको बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने यात्रा संबंधित प्राथमिकता को पुनः जांच कर लें और अपने कारोबार को आप करने की कोशिश करें। आपको अपने रिश्तेदारों और सगे संबंधियों पर भी अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों का समय काफी अच्छा रहेगा। आप अपने मेहनत के बलबूते नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए समय अनुकूल जरूर रहेंगे। कार्य क्षेत्र में नए विचार आकर आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको ले जाएंगे। घर या काम के मोर्चों पर भी आज के दिन आपको अपनी जिम्मेदारियों को साझा करने की आवश्यकता पड़ सकती है। आप अपने कराधान योजनाओं और निवेश की पहले से ही जांच कर लें तो ही आपके लिए बेहतर होंगे। निवेश करना आपके लिए शुभ हो सकता है, परंतु उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करें जिनमें आपको शुभ और अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने की उम्मीद लग रही है। आप उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करने की कोशिश करें, क्योंकि इस सप्ताह के ऐसे में माता की आप सेवा करने की अवश्य कोशिश करें। आज के दिन आपको मिश्रित परिणाम अवश्य मिलेंगे। कुल मिलाकर सकारात्मक और अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाला है। आप कठिनाइयों से दो चार हो सकते हैं, किंतु आप उन पर अपने साहस और अपने बुद्धि से विजय की प्राप्ति कर सकते हैं और कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं और समय पर की गई कार्रवाई इनसे आपको छुटकारा पाने में सहायता अवश्य कर सकते हैं। वित्तीय भी आपकी अच्छी होंगी, फिर भी आपको निवेश के संदर्भ में उचित विचार करने की आवश्यकता होगी। कार्यस्थल पर तनाव भी उत्पन्न होने ना दें। आपको सभी के साथ मेलजोल बनाकर रखने की जरूरत रहेगी। सभी लोगों के साथ आप अपने संबंधों को बेहतर करने की अवश्य कोशिश करें, तभी जीवन में लाभकारी योजनाओं को आप शामिल कर सकते हैं और कार्य क्षेत्र में आपकी गलतियों का एहसास भी आपको हो सकता है। मित्रों, इस समय आप जिस भी क्षेत्र से जुड़े जो भी कार्य करें उन सभी को पूरा करने की अवश्य कोशिश करें। व्यापार व्यवसाय में भी आपको उन्नतिदायक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं और सकारात्मक और अच्छे परिणामों को मिलने के कारण आपको खुशियां भी अवश्य प्राप्त होंगी। आपके जीवन में आप संचारी बने रहेंगे और अपने कारोबार को पूरा करने की आप अवश्य कोशिश कर सकते हैं। आपके सोचने समझने और अपने कार्य करने की इच्छा शक्ति में बढ़ोतरी होगी। बेरोजगार लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर भी अवश्य हासिल होंगे। आपकी बेरोजगारी भी दूर होने वाली है तथा आपको सुनहरे और अच्छे परिणाम की प्राप्ति हो सकते हैं। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि वित्तीय स्थितियां भी अच्छी रहेंगी, फिर भी निवेश के संदर्भ में उचित विचार करने की आपकी जरूरत रह सकती है। आपका दिन काफी अच्छा है, काफी शानदार है। आप इस दिन का अपने कारोबार को करने की उम्मीद और काफी अच्छे परिवर्तन को करने का प्रयास भी आसानी से कर सकते हैं। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंदुवासिनी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत।